रेडी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा चलिए, हम लोग इसके पहले के टॉपिक में पॉलिनेशन को स्टार्ट कर लिया था और पॉलिनेशन में हम लोगों ने ऑटोगैमी और गिटनोगैमी को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद क्रॉस पॉलिनेशन में इंटर किए थे और क्रॉस पॉलिनेशन में हाइड्रोफिली एंड एनिमोफिली को कंप्लीट किया था। ओके, उसके आगे का टॉपिक को हम लोग को आगे कंप्लीट करना है। तो चलिए थोड़ा सा रिविजन के तौर पर हम लोग आते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो पॉलिनेशन का मतलब जानते हो कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ऑफ फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में हमने आपको दो टाइप के पॉलिनेशन बताया। एक बताया सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकंड में आपको मैंने बताया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन की अगर हम लोग बात करें तो सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह के हैं। एक है ऑटोगैमी एंड सेकंड है गिटनोगैमी। और ऑटोगैमी में मैंने कल आपको तीन तरह का बताया। एक बताया होमोगैमी और क्लिस्टोगैमी। कैस्मोगैमस फ्लावर के लिए होमोगैमी और ये है कैस्मोगैमी या कैस्मोगैमस। इसमें कैस्मोगैमस फ्लावर आते हैं और क्लिस्टोगैमी में क्लिस्टोगैमस। और दूसरा था बर्ड पॉलिनेशन। थर्ड वन इज द बर्ड पॉलिनेशन जो पी और वीट पॉलिनेशन। आपको एक बात मैं अभी बता देता हूँ, अगर छूटा है ये पॉइंट और नोट डाउन कर लेंगे। गिटनो ऑटोगैमी का मतलब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे और गिटनोगैमी का मतलब कि सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। हमेशा ये बात याद रखेंगे, सेम प्लांट और एकदम शॉर्ट में, कुछ ज्यादा करने की जरूरत है, सेम प्लांट सेम फ्लावर। क्या? ऑटोगैमी के लिए। जबकि गिटनोगैमी के लिए क्या होगा, सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है गिटनोगैमी के लिए कि गिटनोगैमी जो होता है, जेनेटिकली जो फर्टिलाइजेशन हुआ वो सेल पॉलिनेशन है बट इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से क्रॉस पॉलिनेशन है। जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन बट इकोलॉजिकली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन। बट इकोलॉजिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी कहने का मतलब एनवायरनमेंट अलग अलग है ना उसके लिए, तो इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो अलग है यानी क्रॉस पॉलिनेशन दे रहा है। और जेनेटिक लेवल पे दोनों एक ही प्लांट है, फ्लावर अलग अलग हैं, तो डैट इज द वो क्या हो गया, तो वो गिटनोगैमी है। जेनेटिकली सेम है बट इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्रॉस पॉलिनेशन और जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से सेल्फ पॉलिनेशन है। तो ये काम होता है गिटनोगैमी में। उसके बाद हम लोग कल फिर स्टार्ट किए थे क्रॉस पॉलिनेशन। और क्रॉस पॉलिनेशन में आपको बताया था कि दो तरह के एजेंट आते हैं, पॉलिनेटिंग एजेंट, ठीक है। तो एक होता है बायोटिक और दूसरा है, सेकेंड वन इज दी एबायोटिक। इन द एबायोटिक टू टाइप्स ऑफ एजेंट, वन इज एयर, इट इज कॉल्ड एनिमोफिली एंड अनदर इज वाटर, इट इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। एंड हाइड्रोफिली हाइड्रोफिली आर टू टाइप, ईपी हाइड्रोफिली एंड हाइपोहाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली इज टू टाइप,
दैट टाइप इज दिस इज ओनली फॉर रिवीजन हाइड्रोफिली. कल मैंने आपको टू टाइप के हाइड्रोफिली बताया, एक बोला हाइपो हाइड्रोफिली और दूसरा बताया आपको ईपी हाइड्रोफिली. यहां तक की बातें डिस्कस हो गई थी पूरी बातें. तो हमेशा याद रखिए कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन. पॉलिनेशन टू टाइप, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. सेल्फ पॉलिनेशन टू टाइप, ऑटोगैमी एंड गिटनोगैमी. ऑटोगैमी में हमेशा याद रखिए कि सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे होगा, ठीक है, और गिटनोगैमी में सेम प्लांट के डिफरेंट फ्लावर के बीच में, या फिर प्लांट भी सेम फ्लावर भी डिफरेंट और जेनेटिकली सिमिलर प्लांट होंगे. अगर प्लांट डिफरेंट भी है तो जेनेटिकली एकदम सिमिलर प्लांट होंगे, तो उनके बीच में भी जो अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो वो भी गिटनोगैमी. कल पूरा डिटेल डायग्राम से मैंने डिस्कस किया है. अब सेम प्लांट के सेम फ्लावर पे हुआ तो ऑटोगैमी. ऑटोगैमी थ्री टाइप्स के, होमोगैमस, क्लिस्टोगैमस एंड बड. होमोगैमस, दो प्लांट दो तरह के फ्लावर दिखाता है, खास करके वियोला, कॉमेलिना, पैंसी, ठीक है ना, एंड बालसम. ये सब एग्जांपल मैंने आपको दिया था. तो आउट सीजन में उनके फ्लावर ओपन नहीं होते हैं, उसको कहते हैं क्लिस्टोगैमस फ्लावर, और नॉर्मली जो फ्लावर ओपन हो जाते हैं उसको कहते हैं कैस्मोगैमस फ्लावर. क्लिस्टोगैमी फ्लावर में हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होगा, क्योंकि फ्लावर ओपन ही नहीं होगा तो वो दूसरे का पॉलन ग्रेन लेगा ही नहीं. तो यहां पर क्लिस्टोगैमस फ्लावर ऑलवेज सेल्फ पॉलिनेशन. बर्ड पॉलिनेशन का भी एग्जांपल मैंने दिया था, यानी बर्ड के थ्रू. तो बर्ड जो है वो मैच्योर हो जाता है बिफोर ओपनिंग ऑफ बर्ड, स्टिग्मा एंड पॉलन ग्रेन आर मैच्योर. अब आइए यहां पर हम लोगों ने ये देखा. अब आएंगे हम लोग बायोटिक यानी जूफिली. तो बायोटिक फैक्टर में हम लोग पढ़ेंगे जूफिली. अब हेडिंग देंगे जूफिली. अब नेक्स्ट बायोटिक एजेंट या इसी को जूफिली, ठीक है. तो जूफिली में मैंने आपको बताया इंसेक्ट की वजह से एंटेमोफिली, फिर मालमेकोफिली, ठीक, और नीथोफिली. ये सब नाम आपको मैंने कल दिखाया था, यानी अलग अलग एजेंट की वजह से जो पॉलिनेशन हो रहा है. तो जूफिली का मतलब पॉलिनेशन डन बाय एनिमल्स. तो पॉलिनेशन जो है वो किसी एनिमल से हो रहा है तो दैट इज द जूफिली. अब इसी में हम लोग जनरली जूफिलस फ्लावर आर जनरली जो एनिमल को अट्रैक्ट करना पड़ेगा फ्लावर को, तभी तो एनिमल्स यानी इंसेक्ट वगैरह जो भी चीज़ें उसके ऊपर अट्रैक्ट होकर के जाएंगे. तो कैसे भाई, तो उनको अपने पेटल्स को कलरफुल बनाना होगा, साथ ही साथ कुछ खुशबू उसमें से आनी चाहिए. डैट मीन्स की खुशबू कहने का मतलब गुड स्मेल. तो ये सब चीज़ें जो होंगी जिसके वजह से वो अट्रैक्ट होगा. तो जनरली जूफिलस फ्लावर आर वेरी लार्ज अट्रैक्टिव एंड नेक्टर ग्लैंड आर प्रेजेंट. ग्लैंड और उसके ऊपर नेक्टर ग्लैंड प्रेजेंट होना चाहिए. फर्स्ट में आइए यहां पर एंटेमोफिली. एंटेमोफिली का मतलब पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय इंसेक्ट, और ये 80%
80% पॉलिनेशन ऑफ जूफिलियर एंटेमोफिलिया, 80% जो पॉलिनेशन है वो जूफिली है। एक ये बात समझ गए। अब आइए देखिए जूफिली, ये सॉरी एंटेमोफिली 80% ये है। एंटेमोफिली के लिए फ्लावर जो होते हैं वो अट्रैक्टिव होने चाहिए, तो दीज फ्लावर आर अट्रैक्टिव, यानी फ्लावर अट्रैक्टिव होगा तभी तो इंसेक्ट वगैरह, क्यों हम लोग फूल को अच्छा समझते हैं। अगर आप अपने डेली लाइफ में या किसी भी चीज़ में, गार्डन में या खास करके कोई फंक्शन हमारे घर पे रहता है, वैसे फूल को परचेज करते हैं जो अट्रैक्टिव है? वैसे फूल को लाते हैं क्या जिसमें से कोई बैड स्मेल आ रहा हो या जो अट्रैक्टिव नहीं हो, ज़्यादा कलरलेस हो? नहीं, वैसे फूल से हम लोग डेकोरेशन करते हैं जो अट्रैक्टिव फ्लावर है। उसी तरह यहाँ पर जो एनिमल को अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर होंगे, यानी जो पॉलिनेशन होंगे, तो वो अट्रैक्टिव फ्लावर होंगे। दीज आर अट्रैक्टिव फ्लावर एंड दे पजेसेस अट्रैक्टिव फ्रेग्रेंस attractive fragrance nectar gland are also present nectar gland are also present lemon coriander ऑनियन लोबिया एप्पल पियर सनफ्लावर पियर एग्जाम्पल ही मेन है इसका। आपको 8-10 प्लांट का नाम दे देगा, पूछ देगा इसमें से कौन हाइड्रोफिली है और कौन जो है वह एंटीमोफिली है। तो ना एग्जाम्पल जब आपको याद रहेगा तभी आप इस चीज़ को एलिब्रेट कर पाएंगे, यानी उसको ग्रुप में छाट पाएंगे। तो इसीलिए पूरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। कुकुम्बर कॉटन टोबैको कुकुम्बर टोबैको यूकेलिप्टस एंड ब्रासिका। द पॉलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बिकम्स becomes sticky due to presence of pollen kit। तो फ्लावर इंसेक्ट जो होंगे, यानी कि जो यहाँ पर क्या है, द पॉलन ग्रेन ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर बिकम्स sticky, ऐसा क्यों भाई? तो याद कीजिए कि वो जो पॉलन किट है, वो पॉलन किट बनाने का काम कौन कर रहा था? पॉलन किट आया था वहाँ पर यूवी सीरीज ग्रेन्यूल्स यानी स्पोरोपोलेनिन। तो जो टैपटम था वहाँ पर, याद कीजिए कि जो टैपटम लेयर था वही क्या बना रहा था, जो टैपटम लेयर था वो पॉलन किट बना रहा था। पॉलन किट क्यों?
क्योंकि जो एक ग्लू के जैसा काम करता है, इंसेक्ट एक फ्लावर पे बैठता है उसके बाद दूसरे फ्लावर पे जाता है, तो उसके साथ ही उसके बॉडी में अटैच होकर के कुछ पॉलन ग्रेन इस फ्लावर से उस फ्लावर पे जाएंगे जिसकी वजह से पॉलिनेशन होगा। तो उसके लिए पॉलन जो ग्रेन है वो थोड़ा सा स्टिकी होगा, यानी कि उसे पॉलन किट कह रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आया जो टैपटम से बन रहा था। टैपटम में भी अगर बात करें कौन सा टैपटम, तो टैपटम की भी अगर बात करें तो ग्लैंडुलर टैपटम या सेक्रेटरी टैपटम, क्योंकि एमीबॉयड टैपटम सिर्फ नरिशमेंट का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट आइए, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावर पोलिनेटेड बाई इंसेक्ट, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होने चाहिए। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट, फ्लावर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट। तो वो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स होने चाहिए बेटा, देखिए तो वो सब तो अभी मोटा मोटी बातों को मैंने लिखा है, फिर भी चलिए पहले फ्लावर्स आर लार्ज साइज। अब एकदम छोटा सा फ्लावर होगा तो उसके ऊपर इंसेक्ट आके कैसे बैठेंगे, फ्लावर का साइज थोड़ा बड़ा होगा तभी तो आके बैठेंगे ना, उस पर लैंड करेंगे। देन ए स्मॉल साइज फ्लावर आर क्लस्टर इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, अगर कोई फ्लावर स्मॉल साइज का है तो वो आपस में मिले, बहुत सारे फ्लावर एक गुच्छे में होने चाहिए, तो ए स्मॉल साइज फ्लावर आर क्लस्टर इनटू एन इनफ्लोरेसेंस, क्लस्टर इनफ्लोरेसेंस, कलरफुल फ्रैग्रेंस, सोचो कोई बॉडी स्प्रे लगाते हैं हम लोग तो थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आता है, क्यों लगा के जाते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे आसपास के लोग हमसे अट्रैक्टेड रहे, तो उसी तरह से अगर फ्लावर एक अच्छा फ्रैग्रेंस देगा तो उससे क्या होंगे, इंसेक्ट वगैरह उससे अट्रैक्टेड होंगे। नेक्स्ट, नेक्टर इज प्रेजेंट स्टिकी पॉलन ग्रेन फाउल ऑर्डर फ्लावर इज पोलिनेटेड बाई फ्लाइज एंड बीटल्स, अब एक है पॉलिन ऑब्लिक नेक्टर रॉबर्स, रॉबर्स मतलब होता है डाकू लुटेरा, ये भी एक पॉइंट आती है, इसी में पॉइंट है, ये कोई बहुत अलग से कुछ नहीं है। तो इंसेक्ट विच कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट
without bringing about pollination. Second है about pollination. Next है ornithophily. अब ये देखेंगे तो यहां पर ये पहले समझ लीजिए पॉलिन नेक्टर रॉबर्स कुछ इंसेक्ट ऐसे होते हैं कि पॉलिन ग्रेन को ही कंज्यूम कर जाते हैं, खा लेते हैं या खत्म कर देते हैं, तो दैट इज द पॉलिन रॉबर्स उसको कहते हैं. तो इंसेक्ट विच कंज्यूम पॉलिन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, वो पॉलिनेशन नहीं करवाते हैं, बस उसको एज ए डाइट के रूप में, फूड के रूप में या किसी चीज के रूप में कंज्यूम कर लेते हैं खुद के फायदे के लिए. तो वैसे जो है उससे पॉलिनेशन तो हुआ नहीं, तो दैट इज द पॉलिन रॉबर्स. अब है ऑर्निथोफिली. ऑर्निथोफिली पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड. पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय बर्ड्स, देन इट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली. तो उसी को क्या कहते हैं हम लोग, ऑर्निथोफिली कहते हैं बेटा. ओके, एग्जाम्पल के रूप में सनबर्ड एंड हमिंग बर्ड. हमिंग बर्ड इन बिगोनिया प्लांट एंड बाय हनी बर्ड इन ऑस्ट्रेलिटार्जिया कैलिस्टोमोन बॉम्बैक्स, ये सब एग्जाम्पल ही इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है आपको. बॉम्बैक्स को हम लोग कोरल रीफ होते हैं, कॉटन सिल्क कॉटन है, ये बुटिया मोनोस्पर्मा कोरल ट्री. तो ये सब एग्जाम्पल आपको ध्यान, तो हमिंग बर्ड और सन बर्ड ये दो छोटे छोटे बर्ड होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे बिगोनिया प्लांट में ठीक है ये कोलेस्टरमोन, बॉम्बैक्स बुटेनिया मोनोस्पर्मा एंड कोरल ट्री में ये क्या कराते हैं, पॉलिनेशन करा देते हैं. तो इनके एग्जाम्पल को आपको याद रखना है, बाकी इसको याद रखने में कौन सी बड़ी बात है. ऑर्निथोफिली का मतलब पॉलिनेशन बाय द बर्ड, ये एक आसान सा डेफिनेशन है. तो उस ऑर्निथोफिली में प्लांट कौन कौन से आते हैं ये याद रखना थोड़ा टफ है, ये याद रखना एग्जाम्पल मेन रूप से इसी से क्वेश्चन है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि ऑर्निथोफिली का मतलब क्या हुआ. काइरोप्टेरोफिली काइरोप्टेरोफिली
when the process of pollination takes place by bird, process of pollination takes place by bird, takes place by bat, bird nahi, bat, called potato philly. और काइरो पटेरोफिली, अब इसका एग्जांपल है एंथोसिफेलस, एंथोसिफेलस कदम्बा व बोहिनिया, ए बोहिनिया, किगेलिया, किगेलिया प्लांट, प्लांट एडनसोनिया, सोनिया मिर्मेकोफिली, मिर्मेको फिली. तो पॉलिनेशन बाय एंट्स एंड टर्माइट. एग्जाम्पल प्रोस्कोपिस, ओकेसिया, मलमैकोफिली फिली. तो पॉलिनेशन ब्रिंग अबाउट बाय स्नेल, पॉलिनेशन बाय स्नेल्स, by snails, lemna, aspidistra, aspidistra, lurida, lurida, aspidistra lurida pura naam hai, क्रिसैंथेमम. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्रिसैंथेमम हमको आपको याद रखना है, इसमें आप केसिया को याद रखना है आपको, ओके. तो और इसमें कहिए जो काइरोपटेरोफिली है, तो काइरोपटेरोफिली में बहुनिया प्लांट को याद रखना है, ठीक है, एंड एडनसोनिया प्लांट को याद रखना है. ये सब प्लांट कॉमन है, तो इससे इस एग्जांपल डाउट ये एमसीक्यू के रूप में इसे आपसे पूछ सकता है, ओके. अब कुछ पॉइंट को देखेंगे. देखिए इरिथीना प्लांट जो है वो क्राउड एंड स्क्वायरल के थ्रू भी होता है. इरिथीना प्लांट, प्लांट विजिटेड बाय क्रोज एंड स्क्वायरल्स. सम प्लांट
पॉलिनेशन अकर्स बाय स्नेक। कॉल्ड ओफियोफिली, उसको ओफियोफिली कहते हैं। और इसका एग्जांपल है सेंटेलम, सेंटेलम, सेंटेलम मतलब सैंडल ट्री, बहुत सुगंधित होता है। फ्लावरिंग प्लांट, कुछ प्लांट रात में फ्लावर देते हैं दिन के बजाय, तो वहाँ पर ये जो तो फ्लावरिंग प्लांट, हाँ तो उसमें फ्लावर जो है वो मौत के, ये पोलिनेशन जो है वो मौत के थ्रू होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट विच फ्लावर ड्यूरिंग नाइट आर पोलिनेटेड बाई moth, moth, they are highly scented, highly scented, scented favorable color of honey bee is, honey bee का सबसे favorable color yellow है, लेकिन red color पे blindly वो चला जाता है yellow, but they are blind to red color, but they are blind to red color. Okay. Lemur, arboreal rodent, arboreal rodent and some reptiles are also help in pollination. तो कुछ ये सब जो एनिमल हैं ये भी जो है वो पॉलिनेशन में हेल्प कर देते हैं। कौन कौन? तो लेमूर है, अर्बोरियल रोडेंट है, ये सब जो है वो भी पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ तक की ये बातें बेटा। उसके बाद देखो कि हम लोगों को अब देखना है कि जैसे आपको मैंने कल बताया था डिवाइसेज या कॉन्ट्रीवेंसेज फॉर ऑटोगैमी, उसी तरह डिवाइसेज और कॉन्ट्रीवेंसेज फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अगर प्लांट में क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कौन कौन से डिवाइस जो है वो मदद करते हैं। ऑटोगैमी में कौन से डिवाइस थे? तो ऑटोगैमी में आया था बाइसेक्सुअल फ्लावर, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्योंकि मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर पे है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर, और दोनों एक दूसरे के नज़दीक हैं, लाइक क्लोज टू ईच अदर, तो उसके वजह से मदद मिलता है। दूसरी चीज़ थी कि दोनों सेक्स ऑर्गन एक साथ मैच्योर हों। तीसरी बात थी क्लिस्टोगैमस, क्लिस्टोगैमस के फ्लावर ओपन ही नहीं होते, उसमें हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन ही होगा। ये सारे कैरेक्टर जो हैं वो ऑटोगैमी को बढ़ाते हैं। लेकिन उसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन को कौन कौन से डिवाइस जो हैं वो मदद करते हैं तो उसको देखेंगे अब हम लोग। तो अब हम लोग हेडिंग देंगे
तो हेडिंग देंगे डिवाइसेस, और कॉन्ट्रीवेंसेज, कॉन्ट्रीवेंसेज टू एश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, डिवाइसेज और कॉन्ट्रीवेंसेज टू एश्योर क्रॉस पॉलिनेशन। तो वो कौन कौन से डिवाइस या ये हैं जो क्रॉस पॉलिनेशन को एश्योर करते हैं? वो डिवाइसेज कौन कौन से हैं, वो डिवाइस हम लोगों को देखना है। तो जैसे डाइक्लिनी, फर्स्ट में देखिए डाइक्लिनी को बोलते हैं यूनिसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअल फ्लावर था उसको कहते हैं मोनोक्लिनी, ठीक है। और यहां पर डाइक्लिनी मतलब एक फ्लावर पे एक ही सेक्स होंगे, मेल फ्लावर अलग होगा, फीमेल फ्लावर अलग होंगे, यानी कि दो अलग अलग सेक्स के फ्लावर हैं, इसलिए डाई। और यानी तो डाइक्लिनी का मतलब यानी यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसलिए यूनिसेक्सुअलिटी। तो जब मेल फ्लावर अलग होगा और फीमेल फ्लावर अलग होंगे तो ऑब्वियस ही बात है उसमें क्रॉस पॉलिनेशन ही करना होगा। दोनों फ्लावर एक ही फ्लावर पे जब दोनों ऑर्गन है तो आसानी से और सेल्फ पॉलिनेशन, लेकिन अगर दो अलग अलग सेक्स ऑर्गन है यानी फ्लावर ही अलग अलग है तो सेल्फ पॉलिनेशन की चांसेज ही नहीं है, तो क्या होंगे उसके वजह से वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो एक ये काम हुआ, एक ये चीज जो क्रॉस पॉलिनेशन में मदद करता है जिसे डाइक्लिनी कहते हैं। द प्रेजेंस ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर कन्फर्म क्रॉस पॉलिनेशन, कन्फर्म क्रॉस पॉलिनेशन कन्फर्म क्रॉस पॉलिनेशन सेकेंड मोनोसियस प्लांट तो आपको पता है कि मोनोसियस प्लांट इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। मोनोसियस यानी कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग नहीं है, तो डैट इज द मोनोसियस, ये पहले बताया है मैंने। और डायोसियस की जब मेल और फीमेल प्लांट एक ही है, ये अलग अलग है, तो डायोसियस, जैसे पपाया बताया था, डेट पाल्म बताया था, डायोसियस प्लांट अलग अलग है। और मेल प्लांट अलग, फीमेल प्लांट अलग। और जब मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग नहीं है, एक ही प्लांट मेल भी और फीमेल भी है, यानी उसके ऊपर मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर दोनों हैं, तो वो मोनोसियस।
अब उसमें फ्लावर जो होंगे वो यूनिसेक्सुअल होंगे। दो तरह के फ्लावर हैं, तो मोनोसियस प्लांट में यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसा मोनोसियस प्लांट जिसमें बाइसेक्सुअल नहीं यूनिसेक्सुअल फ्लावर हैं, तो वो भी इंक्रीज करते हैं किसको, क्रॉस पॉलिनेशन को, बट फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल कैस्टर, कुकर बीट्स एंड मेज, कुकर बीट्स एंड मेज। थर्ड में आइए डायोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट इफ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट, डिफरेंट प्लांट एंड फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल। एग्जाम्पल पपाया, डेट पाल। तो ये क्या करेगा, तो प्रिवेंट ऑटोगैमी, इसमें ऑटोगैमी नहीं हो सकता है, प्रिवेंट ऑटोगैमी। फिर देखिए फोर्थ में डाइकोगैमी, डाइकोगैमी क्या चीज है, तो एस्टामिन एंड कार्पेल आर, एस्टामिन एंड कार्पेल डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम, डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम और ये जो है इट इज टू टाइप। तो ऑटोगैमी कब होंगे, जब दोनों सेक्स एक साथ मैच्योर हों। अब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो गया, बन गया एंथर में, लेकिन अभी स्टिग्मा रेडी ही नहीं है, यानी कार्पेल रेडी ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो दोनों को एक साथ मैच्योर होना पड़ेगा। किसी के किस कोई भी एक अगर मैच्योर हुआ, दूसरा पार्ट मैच्योर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। समझ में आई ये बातें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आइए, अब तो वही चीज, अब ये दो तरह के, यानी एक बार ऐसा होगा कि एंथर बन गया है लेकिन कार्पेल नहीं बना है, यानी कि एस्टामिन तैयार है लेकिन अभी कार्पेल रेडी नहीं है, और दूसरी बार ऐसा होगा कार्पेल रेडी है बट एस्टामिन रेडी नहीं है, तो उसी के बेसिस पे ये टू टाइप के हैं। चलिए देखिए, तो एक होगा प्रोटेंड्री, प्रोटेंड्री व्हेन एंथर ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर, एंथर मैच्योर अर्लियर, एंथर मैच्योर अर्लियर, ओके मैच अर्लियर देन कार्पेल। और सेकेंड प्रोटोगैमी, प्रोटोगैमी कार्पेल ऑफ फ्लावर मैच्योर, कार्पेल ऑफ
फ्लावर मैच्योर, कार्पेल ऑफ फ्लावर मैच्योर अर्लियर देन स्टामेन। तो स्टामेन से पहले इसमें कार्पेल मैच्योर हो गया। अब है एक लास्ट में हर्कोगैमी। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट, आई हैव टू शेयर द लेक्चर लिंक। तो इसमें मॉर्फोलॉजिकल कुछ बैरियर हो जाता है जिसके वजह से दोनों मेल और फीमेल गैमेट फर्टिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल बैरियर, मॉर्फोलॉजिकल बैरियर आर फॉर्म्ड इन बिटवीन, आर फॉर्म इन बिटवीन बिटवीन द एंथर एंड स्टिग्मा, बिटवीन एंथर एंड स्टिग्मा, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। Of the same flower, okay? Of the same flower. So self pollination cannot occur. Pollination So self pollination cannot अकर, इस वजह से उसमें सेल पॉलिनेशन नहीं मिल रहा है। ओके एक है हेट्रोस्टाइली यानी स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी। अलग अलग अगर साइज के स्टाइल होंगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वहां पर पॉलन ग्रेन अलग अलग फ्लावर के आएंगे। स्टाइल ही अलग अलग हैं, सेम स्टाइल के नहीं हैं। तो एक वो हो गया। फिर है एक सेल्फ स्टेरिलिटी, वो भी बताता हूँ अभी। चलिए एक नेक्स्ट हेटरो स्टाइली। हेटरो स्टाइली तो फ्लावर आर टू टाइप, डाइमॉर्फिक एंड ट्राइमॉर्फिक, डाइमॉर्फिक एंड ट्राइमॉर्फिक फॉर्म्स विच एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट लेवल, मॉर्फिक फॉर्म्स विथ एंथर एंड स्टिग्मा एट with anther and stigma at different levels. The based on difference in length, the phenomenon is called heterostyly. Difference in length
द फेनोमेनन इज कॉल्ड हेटरोस्टाइली और एक होता है हेटरो एंथी। हेटरो एंथी का मतलब एस्टामिन ऑफ डिफरेंट लेंथ, एस्टामिन्स ऑफ डिफरेंट लेंथ। तो स्टामिन जो है वो डिफरेंट लेंथ के हैं। सेकंड है सेल्फ स्टेरिलिटी या इनकॉम्पैटिबल, सेल्फ इन कॉम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। पॉलन ग्रेन ऑफ फ्लावर cannot germinate on the stigma of same flower this condition is called self sterility। और ऐसा होता क्यों है? तो ये होता है, मिलेगा नहीं जल्दी, चलो ये देख लीजिए, ये S1 and S3 gene on carpel and S1 or S3 on pollen। कार्पेल के अंदर यानी ओव्यूल्स के अंदर में क्या होंगे? S1 एंड S3 दोनों होंगे, और कार्पेल के अंदर ये पॉलन के अंदर S1 या S3 होगा। अब जब S1 आपस में एक साथ मिलेंगे तो उसको क्या करेंगे? इनकॉम्पैक्टिबल कर देंगे, जर्मिनेशन के बाद यानी फर्टिलाइजेशन नहीं होने देगा। लेकिन वही दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो अगर ये सेम नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कर लेगा। तो ये जो है एक जेनेटिकल टेंडेंसी है। अब सेल्फ इनकॉम्पैटिबल टू मेजर टाइप, इट इज टू टाइप। एक है गैमेटोफाइटिक गैमेटोफाइटिक तो इनकॉम्पैटिबिलिटी ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ पॉलेन। जीनोटाइप फिनोटाइप ये सब जेनेटिक्स की बातें हैं। किसी भी सेल के अंदर जो जीन का सिचुएशन है डेट इज द जीनोटाइप, और द फिजिकल अपीयरेंस जो किसी चीज़ की भी, प्लांट बॉडी का या किसी भी चीज़ का, हमारा तुम्हारा किसी का जो फिजिकल अपीयरेंस है, जो देखने में हम कैसे हैं, डैट इज द फिनोटाइप। तो जीन का जो कॉम्बिनेशन है डैट इज द जीनोटाइप, और फिनोटाइप अगर टर्म आता है तो मतलब फिजिकल अपीयरेंस इज द फिनोटाइप। तो ये दो अलग अलग बातें हैं। और दूसरा है एस्पोरोफिटिक इनकॉम्पैटिबिलिटी
जेनोटिपिक इनकॉम्पैटिबिलिटी एक साथ है और स्पोरोफिटिक इन कॉम्पैटिबिलिटी इज ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ ड्यू टू जीनोटाइप ऑफ एस्पोरोफिटिक यानी जो मेन प्लांट बॉडी है एस्पोरोफाइट उसके जीन के लेवल की वजह से। ओके अब आइए कुछ इंपॉर्टेंस देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन का, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये बातें हो गई यहां तक। तो आप हेडिंग देंगे इंपॉर्टेंस या एडवांटेज ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन के क्या क्या एडवांटेज, सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज रखो कि इसमें न्यू प्रोडक्ट या न्यू वैरायटी हमें मिलता है और न्यू वैरायटी हमेशा उसमें से जो न्यू वैरायटी ज़्यादातर जो होते हैं नॉट ऑलवेज या सभी मैक्सिमम जो न्यू वैरायटी होते हैं वो न्यू एनवायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंग वो न्यू वैरायटी जो हमें मिलता है वो ज़्यादा फायदेमंद होता है और वो डिजीज रेसिस्टेंस उसमें ज़्यादा होगी। तो न्यू वैरायटी जो होंगे वो ज़्यादा इसी में मिल सकते हैं, ऑटोगैमी में न्यू वैरायटी हमें नहीं मिलेगा तो ये डिजीज रेसिस्टेंस होने के चांसेस इसमें ज़्यादा है, न्यू वैरायटी मिलेंगे ये सारे चीज़ हाइब्रिड प्रोडक्ट हमें मिलेगा ये सारा इसमें यही एडवांटेजेज हैं। तो आइए देखते हैं, चलिए तो वेरिएशन इन प्रोजेनी एक एडवांटेज देखने को मिलेगा हमें। सेकेंड अडैप्टिबिलिटी ऑफ द टी ऑफ द ऑस्प्रिंग, अभी बोला था मैंने कि एनवायरमेंटल चेंजेज होंगे तो उसमें डिजीज रेसिस्टेंस बढ़ेगा तो उसी चीज को ऐसे लिख रहे हैं अडैप्टिबिलिटी ऑफ द ऑस्प्रिंग टुवर्ड्स चेंजेज इन द एनवायरमेंट टुवर्ड्स चेंजेज इन द एनवायरमेंट। नेक्स्ट देखेंगे ऑर्गेनिज्म बेटर फिटेड इन ए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बेटर फिटेड इन द स्ट्रगल ऑफ एग्जिस्टेंस द प्लांट प्रोड्यूस थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन आर मोर रेसिस्टेंस टू डिजीज। नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग हैव कैरेक्टर बेटर देन कैरेक्टर्स बेटर देन द पेरेंट ड्यू टू
ड्यू टू हाइब्रिड वीगर, तो यानी हाइब्रिडाइजेशन होने के चांसेस इसमें ज़्यादा हैं, इस वजह से न्यू प्रोडक्ट मिलते हैं। अब आइए डिसएडवांटेज, इतना एडवांटेजेस काफ़ी हैं। डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं, तो ये हाईली वेस्टफुल है, हाईली वेस्टफुल। किसका? तो हाईली वेस्टफुल ऑफ पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर होने में उसमें बहुत सारे फ्लावर वेस्ट होते हैं, और इसीलिए इस फ्लावर को नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन ज्यादा प्रोड्यूस करना पड़ता है। सेकेंड, ऑलवेज इन्वॉल्व्ड इन क्रॉस पॉलिनेशन, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होने के वजह से, यानी क्रॉस पॉलिनेशन पे ही डिपेंड कर रहा है, तो सम टाइम्स फर्टिलाइजेशन भी नहीं मिलता है। ऑलवेज इन्वॉल्व इन क्रॉस पॉलिनेशन ड्यू टू सो समटाइम फर्टिलाइजेशन नॉट अकर्स, तो जिसके वजह से फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो पाता है। इट इज लेस इकोनॉमिकल यानी इसमें खर्च ज़्यादा आते हैं, लेस इकोनॉमिकल है, आसान नहीं है। सम इनडिजायरेबल इनडिजायरेबल कैरेक्टर डेवलप्स, जिस कैरेक्टर की हमें ज़रूरत नहीं है वो भी डेवलप कर सकता है, और होता है ऐसा, तो इसलिए ठीक है, इतना काफ़ी है। तो ये जो है इसके ये डिसएडवांटेजेज हैं बेटा। चलिए अब इसके आगे की जो बातें हैं वो अब हम लोग यहाँ तक, ये एडवांटेजेज और डिसएडवांटेजेज, यानी ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा पॉलिनेशन, अब इसके आगे में हम लोग करेंगे पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन और कुछ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, देन आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक की जो बातें हैं वो पूरी कंप्लीट हो गई है हमारा पॉलिनेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन करेंगे। पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन में ये देखेंगे कैसे पॉलन ग्रेन, यानी कि जो पॉलन ग्रेन है वो पिस्टिल ये स्टिग्मा पे आके इंट्रैक्शन करता है। तो कभी कभी अगर सेम स्पेसीज और सेम वेराइटी है तो आसानी से फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन अगर वेराइटी चेंज है या कुछ अलग चेंजेज हैं तो फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर नहीं हो पाते हैं। तो वही है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। अब इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक आपको यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बेटा चलो देखिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो भी है ठीक है। तो आई होप अभी आपने पेपर दिया है और पेपर बहुत अच्छा गया है होगा आपका, क्योंकि ये लेशन बहुत ईजी है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सोच रहे हैं सर ये सब क्वेश्चन कुछ अलग अलग हैं, तो आपको कम से कम दो चार क्वेश्चन या आठ दस क्वेश्चन तो रहेंगे ही,
आप हमेशा सोचते हैं कि बस एनसीईआरटी पढ़ें और सारे क्वेश्चन बन जाए और मेरे मार्क्स 360 आ जाएं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। कुछ पाने के लिए मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है। ओके, तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे तो ये बहुत ईजी लेसन और छोटा लेसन है, लेकिन उसके बाद भी और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको शायद कन्फ्यूज कर सकते हैं। ऐसे आपके पास आंसर की भी हैं तो बस यहाँ पर वो कुछ आंसर को ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। फिर भी अगर इसके बाद भी अगर आपको डाउट है तो यू कैन कॉल मी, व्हाट्सअप मी, ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ओके, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 91 को देखते हैं। ठीक है, अश्रुतियो एग रिलीज आर, ठीक है, अश्रुतियो एग जो है ये एक एनिमल्स है छोटा सा, तो जो एक अपने एग को रिलीज करता है, तो अनफर्टिलाइज या फिर फर्टिलाइज, ये दो चीज़ें हैं। तो ये फर्टिलाइज एग को रिलीज करता है। ओके, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये अपने एग को रिलीज करेगा, तो ये फर्टिलाइज एग को रिलीज करेगा, रिलीज्ड फर्टिलाइज्ड एग। ओके, फिर आइए 92 को देखेंगे हम लोग। Which of the following organism, new organism is produced without syngamy? Syngamy का मतलब हमने आपको बताया है, ठीक है, फ्यूजन। Syngamy का मतलब fertilization. Syngamy का मतलब fertilization, और fertilization जब नहीं होता है तो कुछ एक टर्म हम लोग देखे थे पार्थेनोजेनेसिस, जो लोअर एनिमल में खास करके देखने को मिलता है, यानी अनफर्टिलाइज एग ही जो है वो न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर देता है। तो एनिमल्स प्रोड्यूस विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो वो पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस हैं, और उसी में ये सारे एग्जांपल हमें देखने को मिलते हैं। तो रोटीफर, हनी बी एग्जांपल भी मैंने आपको दिया था, रोटीफर भी है, टर्की बर्ड है, तो इसका तो ये आप 92 में आप मान लीजिए ऑल ऑफ दीज। फिर है एग कवर बाय कैलकेरियस सेल आर लेड डाउन इन, जो एग कवर है कैलकेरियस, तो लेड डाउन इन किस में, तो वो बर्ड एंड रेप्टाइल्स में कैलकेरियस एग उसमें बनते हैं, किसमें, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स। आइए 94, सेलेक्ट द मोनोकार्पिक प्लांट आउट ऑफ द फॉलोइंग, तो बाम्बू है, लीची है, मैंगो है एंड ऑल ऑफ दीज। मैंगो तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो मोनोकार्पिक यानी एक, तो आपको मैंने कुछ बताया था बाम्बूसा के बारे में, तो यानी कि वो कुछ ऐसे पॉलीकार्पिक है लेकिन वो फ्लावर एक ही बार देते हैं, तो इसमें आपको ये एग्जाम्पल मैंने भी दिया था, तो बाम्बू अगर एग्जाम्पल वीडियो में भी देखे होंगे, तो मोनोकार्पिक एंड पॉलीकार्पिक, और मोनोकार्पिक में एनुअल बाइनुअल और पॉलीकार्पिक में पेरिनियल, ये सब एग्जाम्पल में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट आइए फिर इस तरह से एस्टामिनेट फ्लावर प्रोड्यूस, एस्टामिनेट फ्लावर ये मॉर्फोलॉजी का भी क्वेश्चन है और यहाँ पर भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो एस्टामिनेट फ्लावर क्या प्रोड्यूस करता है, तो एंथ्रोजॉइट, ऑब्वियस ही बात है, अभी हम लोग इस लेसन में भी एस्टामिन देख लिए, तो एस्टामिनेट से क्या आएगा, एंथ्रोजॉइट्स। फिर आइए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज फॉर्म्ड ओनली ऑफ द हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल और फीमेल यानी कि ये दोनों एक ही तरह से डिस्चार्ज हो सकते हैं, तो हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म ये कौन कौन से, अर्थवर्म जब आप एनिमल में पढ़े होंगे वहाँ पर भी आया होगा, ठीक है, तो 96 का आप देखेंगे तो अर्थवर्म, टैपवर्म और लीच, ये हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं। कौन है, अर्थवर्म्स, टेपवर्म्स और लीच, ये सब हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स हैं। रेफर टू द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एक्स इन कॉकरोच, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको लग रहा है थोड़ा सा है, हाँ ठीक है, दे दिया है दो चार क्वेश्चन इसमें से हैं जो नेक्स्ट लेसन से रिलेटेड हैं, लेकिन इसमें है चुकी तो इसीलिए, तो जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए तो 97 उसी में से एक है,
तो ये स्ट्रक्चर जो दे दिया है आइडेंटिफाई करा है कॉकरोच के लिए, तो ये जो पार्ट है वो क्या चीज़ का है। तो एक्चुअल में ये जो पार्ट ये जो पार्ट है वो ओवेरी का है, ठीक है। यहीं पर आके फर्टिलाइजेशन के लिए ओवेरी का पार्ट दे दिया है। फिर आइए, ये डायग्राम आप देख रहे हैं, तो रेफर द गिवन डायग्राम शोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिनगैमी एंड सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स करेक्ट एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दिस। तो जाइगोट बन रहा है एक तरफ, यहाँ पर भी जाइगोट बन रहा है, दो दे दिया है। अब यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है और यहाँ पे मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर है, ये दो आपको यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर किस में होता है और मॉर्फोलॉजिकली डिसिमिलर फ्यूजन किस में बनते होते हैं, ये आपको वहाँ पे पढ़ाते समय पढ़ाया हुआ है। अब आप कन्फ्यूज करेंगे सर इस डायग्राम से तो क्या हम समझें, तो यहाँ पर आपको यही चीज़ समझना है कि कौन मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है कौन मॉर्फोलॉजी डिसिमिलर है। तो एक जो है ए जो है वो सिमिलर जो होता है फ्यूजन वो क्लैडोफोरा में, और दूसरा होमोसैपियंस यानी ह्यूमन बींग्स के लिए है। रीड दी फॉलोइंग स्टामेंस, क्योंकि ये जो सेकेंड डायग्राम है इसमें एक जो है वह है ओवम के लिए और दूसरा मेल स्पर्म का है, तो होमोसैपियंस में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए कि इन पी प्लांट ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज इजी, यानी कि स्टिग्मा जो है वह इजी है। और दूसरा में स्टेटमेंट बी में कह रहा है सेकंड में, इन क्रॉस पोलिनेशन प्लांट पोलिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, पोलिनेशन नहीं होता है। तो इसमें देखिए तो इसके स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट, क्यों? तो क्रॉस पोलिनेशन प्लांट पोलिनेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, ये कहाँ से? क्रॉस पोलिनेशन में मतलब पोलिनेशन होगा ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। तो स्टेटमेंट दो सेकंड जो है वो गलत है। इफ़ ए बटरफ्लाई हैज क्रोमोजोम नंबर 360, यहाँ पर देखो जो मियोसाइट है, मियोसाइट मतलब जिसमें मियोसिस हुआ है या होगा, इसका दे दिया है ये 2n है और 2n का मतलब 360 है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इसमें मियोसिस होगा तो इससे बनने वाले गैमेट कितने 180 क्रोमोजोम हो जाएंगे। तो ये भी एक इजी सा क्वेश्चन है, दो से तीन क्वेश्चन आपको लगेगा कि ये बाहर है, बाकी क्वेश्चन इजी है, ठीक है। अब आप ये नहीं पकड़ोगे कि सर 90 में से 86 क्वेश्चन जो था वो सिलेबस से था, दो तीन क्वेश्चन, आप हमेशा कंप्लेन करोगे सर वो तीन क्वेश्चन बाहर से थे। जैसे अभी कॉकरोच का आ गया, मान लीजिए आप कहेंगे कि हर्माफ्रोडाइट का हमें अभी नहीं जानना था, ठीक है हम मान लिया आपकी ये बातें, लेकिन दो ही क्वेश्चन अभी तक आया, बाकी क्वेश्चन भाई चलो कैलकेरियस एक अगर आ गया, तीन क्वेश्चन बाकी क्वेश्चन तो अभी ये थोड़ा देखते चलेंगे। ओके नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन ये हो गए हैं, विच आर द फॉलोइंग एज हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमेट और मियोसाइट। तो बटरफ्लाई ऑफिस, हाँ ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आपके एनसीईआरटी में पूरा ये डेटा दे रखा है और वहाँ से भी जब आप देखेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। तो 101 का बी जो है वह ऑफिसोग्लोसम एक एल्गी है जिसमें सबसे हाइएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम मिलते हैं, शायद 2000 है या 360 ऐसे कुछ है, ये कलगी है, ठीक है। फिर आइए, कुकरबीट एंड कोकोनट्स आर, कुकरबीट और कोकोनट कैसे प्लांट्स हैं, तो यहाँ से फिर जो बाकी, तो कुकरबीट एंड कोकोनट यानी मोनोसियस प्लांट, डायोसियस प्लांट, यूनिसेक्सुअल और स्टेराइल, स्टेराइल तो होगा नहीं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, ठीक है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाईसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, तो यानी कैसा प्लांट है, तो ये मोनोसियस प्लांट है कोकोनट और ये डायस, ये कुकरबीटा मोनोसियस हैं, डायोसियस का एग्जांपल पपाया है, डेट पाल्म है, ये सब हैं। फिर आइए, इन प्लांट एंड एनिमल द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय, इन प्लांट एंड एनिमल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय, तो कौन करता है, तो किसमें हार्मोन होते हैं इंट्रैक्शन विथ सम एनवायरमेंटल फैक्टर, तो ऑस्टियस साइकिल एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, ऑस्टियस साइकिल सीजनल ब्रीडिंग, मेंस्ट्रुअल साइकिल सभी सीजन में ब्रीडिंग, तो हम लोगों में सीजनल मेंस्ट्रुअल साइकिल है और कुछ काउ बफेलोज डॉग में ऑस्टियस साइकिल है, तो वो क्यों? एनवायरमेंट के वजह से और बाकी हार्मोन की वजह से ऐसा होता है। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 104, एनसीईआरटी का पूरा का दे रखा है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ट्रांसवर्स सेप्टम है, दो पार्ट में बटा, ठीक है, ये किस में होता है? यूग्लिना में, सेरेटियम में, बैक्टीरिया में और प्लाज्मोडियम में, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये पार्ट है, तो आपको ये
ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही तो पूरा चला है डिटेल। अभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो हम लोग अब देखेंगे, अभी जैसे फ्लावरिंग प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको आने वाला है। तो 104 में आप देखेंगे दिस इज द बैक्टीरिया का के लिए है बाइनरी फ्यूजन जो कर रहा है। नेक्स्ट हाउ मेनी ऑफ द लिस्टेड प्लांट आर मोनोकार्पिक, तो राइस, कैरेट, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज और वीट। तो आपको पता है राइस और वीट ठीक है ये कैसे हैं भाई, तो मोनोकार्पिक हैं। अब कैरेट, मैंगो, एप्पल, ऑरेंज के बारे में आपको नहीं पता है, तो कैरेट और रेडिस ये बाइनियल हैं, तो बाइनियल भी किस में आता है, मोनोकार्पिक में आ गया। अब तीन आपको यहाँ पर मिल गए। अब आप सोचिए एप्पल, एप्पल सालों भर मिलता है मार्केट में आपको, ठीक है, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, अब इनमें कौन कौन से हैं, तब आप सोचेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको पता चलेगा। तो तीन ही मेन रूप से हैं भाई, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़िए 106, ये आपको बहुत जगह भी मिलेगा, एनसीईआरटी में भी मिल सकता है। तो व्हाट डज द गिवन फिगर रिप्रेजेंट, ये फिगर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एनसीईआरटी का ये फिगर है और आसानी से जब इसको ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर चार ऑप्शन, जो फ्रेगमेंटेशन इन ओवेलिया, एस्ट्रोबिलेशन इन ऑरेलिया, रिजनरेशन इन हाइड्रा, एक्जोजीनस बर्डिंग इन क्रिप्फा, ठीक है, ये चार ऑप्शन जो है वो आपको दे रखा है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है इसके लिए फिट बैठता है, तो एस्ट्रोबिलेशन इन एस्ट्रोबिलस का फॉर्मेशन होता है, तो वो कहाँ, ऑरेलिया के लिए है। नेक्स्ट आइए रेफर द गिवन टेबल एंड सेलेक्ट द ऑप्शन डेट करेक्टली फिल एंड थ्री ब्लैंक्स इन इट, यहाँ पर तीन ऑप्शन में ब्लैंक्स दिया है उसके हिसाब से ये फिल करना है, ये आसानी से आप कर लेंगे। हाय सर। नेक्स्ट आइए फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो डायरेक्टली फ्रॉम डिप्लॉयड एग विदाउट फर्टिलाइजेशन इज, तो ऑब्वियस ही बात है कि वो क्या हुआ, तो दिस इज द पार्थेनोजेनेसिस, द डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस, एडवेंटेड एम्ब्रियोनी, तो एग अनफर्टिलाइज एग से कंप्लीट हो जाता है, तो यानी वहाँ पर फर्टिलाइजेशन कभी भी डिप्लॉयड कंडीशन में ही होती है, तो इसीलिए वहाँ पर दे दिया है डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, युगलिना रिप्रोड्यूसेज सेक्सुअली थ्रू, तो युगलिना जो है वो सेक्सुअली किसके थ्रू रिप्रोड्यूस होता है, यानी मल्टीपल फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी, बाइनरी की तो बात ही नहीं होगी, बाइनरी फ्यूजन मतलब दो, अब यहाँ पर युगलिना रिप्रोड्यूस सेक्सुअली थ्रू, तो मल्टीपल फ्यूजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन और एस्ट्रोबिलेशन। तो याद कीजिए कि ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन तीन तरह के मैंने बताया, सिंपल बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फ्यूजन और ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन। ओके, तो सिंपल, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल, ट्रांसवर्स का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन से, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब लॉन्गिट्यूडनली कट होकर के, और सिंपल का मतलब निर्मली जो ईस्ट वगैरह में होता है, तो ये युगलिना में वही चीज़ है ट्रांसवर्स के लिए। अब आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ए वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स, इनमें से कौन सा है वो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं है, कॉनिडिया, इन पेनिसिलियम, लीफ बर्ड ऑफ ब्रायोफाइलम, फिर बर्ड्स ऑफ एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, टैपियोका, याम, दहलिया एंड एस्परागस, बर्ड ऑफ टैप रूट ऑफ डलबर्गिया, पॉप्यूलस और सीडियम, मैरियाना एंड अल्बिजिया, ये जो है इसमें से ये इसको एक्सट्रैक्ट करने की बातें हैं, तो इसमें से कौन सा इम्पोर्टेंट जो है वह, तो यहाँ पर कोनिडिया एंड पेनिसिलियम जो है वह वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स नहीं है, कोनिडिया जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है, ठीक है, यो प्लांट नहीं है। नेक्स्ट आइए रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, सेलेक्ट द करेक्ट इनकरेक्ट वन, तो इनकरेक्ट वन कौन कौन से हैं इसमें, ये आप इसको करेंगे, ट्यूरियन आर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन, तो ट्यूरियन जो है वह एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी मॉर्फोलॉजी में भी ये चीज़ है, ठीक है, तो ट्यूरियन का बात वहाँ पर भी आती है, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो वो है पोटैमोगेटोन। फिर उसके बाद यहाँ पर ये सब क्वेश्चन ये एनसीईआरटी के हैं। अब नेक्स्ट आप आ जाइए स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर 8, इधर के क्वेश्चन में कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ स्पैन ऑफ फ्रूट ये सब आपको एनसीईआरटी से करना है।
क्वेश्चन नंबर 144 आ जाइए डायरेक्ट। अब बीच में अगर कोई डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं आप। तो जैसे तो सेलेक्ट द ऑप्शन इन विच न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस बाय राइजोम। राइजोम का हमने बताया था, तो बनाना जो है वो दोनों तरह की चीज़ों को दिखाता है, उसमें से राइजोम भी एक है। ओके, तो यहाँ पर ये आप ध्यान में रखिए, तो इसीलिए यहाँ पर तो बनाना एंड जिंजर। ओके, फिर क्वेश्चन डायग्राम से रिलेटेड वाला है। इन विच ऑफ द 146 इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन ए स्ट्रक्चर 1, 2, 3, 4 एंड लेवल्ड करेक्टली। कौन इसमें से करेक्टली जो है वह लेवल्ड हैं। तो कोनिडियोफोर ये फंगाई में भी हमें देखने को मिलता है, कोनिडियोफोर के बारे में। तो हमने वीडियो के दौरान जब लेसन करा रहा था उसमें भी मैं बोला था कि ये देखो लेसन किससे किस रिलेटेड है। प्लांट किंगडम से रिलेटेड है, बैक्टीरिया में बाइनरी फ्यूजन आता है, यहाँ भी आया। ईस्ट से यानी ये फंगाई से रिलेटेड है, बैक्टीरिया से रिलेटेड है, प्लांट किंगडम से रिलेटेड है। ओके, और उसके साथ साथ सेल डिवीजन से रिलेटेड है। तो इन सब चीज़ों से यह रिलेटेड लेसन है, इसीलिए उन सब की चीज़ें यहाँ पर फिर से एक बार आ गई हैं। तो चूँकि वैसे भी आप 12th में हैं, 9th, 11th में है नहीं, तो 11th की चीज़ों को भी थोड़ा सा आप याद रखिए। अब आइए चलिए 146 में देखेंगे। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को जो है तो 1, 2, 3 और 4 जो दिया है तो उसके हिसाब से हाँ मेटुलिया अस्ट्रेजिमेटा कॉनिडिया एंड कोलोमेला ठीक है। ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ऑर्गेनिज्म विथ देयर लाइफ स्पैन। तो लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग तो फ्रूट फ्लाई, मे फ्लाई, वन डेज और लाइफ स्पैन के हिसाब से कौन कौन से हैं। ठीक है, तो लाइफ स्पैन जो है एनसीईआरटी से या बाकी रेफरेंस बुक से भी मैंने बोला था, एक लिस्ट बना करके उसको याद कर लीजिएगा। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग 4 स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिया है और पूछा है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट। 149 की बात कर रहे हैं हम, तो 149 में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए बाइनरी फ्यूजन इज कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड पोरीफेरा। हेलमिंथोस्पोरियम डू नॉट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो कंसिडर फोर स्टेटमेंट। अब पूछा है द करेक्ट स्टेटमेंट आर, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वह करेक्ट हैं। तो करेक्ट जब हम लोग निकालेंगे तो कौन कौन से करेक्ट है, इसमें दो ही करेक्ट हैं। बाइनरी फ्यूजन इन कॉमन इन प्रोटिस्टा एंड पोरीफेरा, ये रॉन्ग हो जाएगा। हेलमिंथोस्पोरियम डू नॉट रिप्रोड्यूस बाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हेलमिंथोस्पोरियम, एक मिनट, और इन पेनिसिलियम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स ओनली बाई ओडिया फॉर्मेशन। हाँ, ओनिडिया का फॉर्मेशन करता है, ये सही है। इन अगे बल्बिल इज फॉर्म्ड एज ए मीन ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। तो इसमें 2 और 3 जो है वो राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए 150। सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज करेक्टली आइडेंटिफाइड एज फिगर विथ एग्जाम्पल। ओके, आइसोगैमी एंड आइसोगैमी ये सब एग्जाम्पल के साथ याद करने की चीज़ें हैं, वो आप कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्रो का दिया है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई द गिवन ऑर्गेनिज्म एंड फाइंड इट्स मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो कौए का 15 साल ऐसे भी होता है, और तोते का मैंने एग्जाम्पल भी लिया था कि दोनों बर्ड हैं। तो लाइफ स्पैन इज नॉट डिपेंड ऑन द साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, ये बात याद रखिए। फिर आइए क्वेश्चन 153। रेफर द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 153 में जब हम देखेंगे तो 153 में आप देखिए यहाँ पर दोनों हो जाएगा, बी और सी दोनों ये दिया है जो। तो इट इज़ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऑब्वियस सी बात है, एंड द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कैन ऑल्सो बी कॉल्ड क्लोन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही क्लोन बनते हैं। 156, स्टडी द गिवन फिगर एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो 156 में आ जाइए, 156 की जब हम बात करेंगे तो जो फिगर है यहाँ पर जो दिया है उसके हिसाब से दो और ये हो गया, ठीक है। गैम्यूल्स हैं, गैम्यूल्स इन स्पॉन्जेज आर ग्रोन एक्सटर्नली ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। कितना देर होगा 20 मिनट। फिर आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 157। हाँ, ये क्वेश्चन है फॉलोइंग द फिगर गिवेन विथ ए स्ट्रक्चर मार्क्ड बाय नंबर 1, 2 और 3 मेक द करेक्ट मैच। ये भी एनसीईआरटी के एग्जांपल से ही, एक मतलब डायग्राम से ही क्वेश्चन है। तो इसको भी जब आप देखेंगे 1, 2, 3 ये जो दिया हुआ उसके हिसाब से तो उसको फिट करेंगे जब आप लोग, यानी ये जो फॉलोइंग स्ट्रक्चर पूछा है और उसमें नंबरिंग दे दिया उसके हिसाब से। तो वन में
ओके, वन जो होगा वो एंथेरिडियम, दो ओवेरी और तीन ओगोनियम, तीन, यानी सी इसका एग्जांपल सही रहेगा। नेक्स्ट आइए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को देखेंगे। 61, मेनी प्लांट आर प्रोपेगेटेड वेजिटेटिवली इवन थ्रू दे बियर सीड, और स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाई वेजिटेटिवली बाय रूट ट्यूबर। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू ये दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, और पूछ रहा है इसमें से कि बोथ स्टेटमेंट वन एंड टू आर करेक्ट, यानी कि दोनों गलत सही हैं, दोनों गलत हैं, यानी स्टेटमेंट को फाइंड आउट करने वाला है। तो जब गौर से आप इसको पढ़ेंगे तो आप देखिए कि जो स्टेटमेंट वन है एंड स्टेटमेंट टू है दोनों सही हैं। फिर मोनोसियस डायोसियस, ठीक है, तो पपाया डायोसियस होता है, ओके, और अर्थवर्म क्या होते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट मैच, ठीक है, तो अर्थवर्म जब आप देना डायोसियस, डेड पाल्म भी राइट है, डेड पाल्म जो होता है वो डायोसियस होता है, ओके, और अर्थवर्म जो होते हैं वह मोनोसियस होते हैं, तो डेड पाल्म इसमें करेक्ट आ जाएंगे। बाकी सब क्वेश्चन को देखते चलिए आप। अब आइए क्वेश्चन, बाकी ये सब क्वेश्चन थोड़े इजी हैं, आप आसानी से कर सकते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 177 डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, तो इसमें से कुछ एनिमल्स का एक स्ट्रक्चर दिया है, कुछ प्लांट के पार्ट का स्ट्रक्चर फंगाई से। तो जब यहाँ पर आएंगे तो 177 चार स्ट्रक्चर दिया है ए बी सी डी, और चारों स्ट्रक्चर जब गौर से देखेंगे तो आप देखिए सी एंड डी रिप्रोड्यूस बाई बडिंग डेट इन इंक्लूड न्यूक्लियर डिवीजन ओनली, ऑल ऑफ दिज रिप्रोड्यूस बाई ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बी रिप्रेजेंट मल्टीपल फिजन इन एन एल्गा, बी रिप्रेजेंट, ऑब्वियस ही बात है स्पोर का फॉर्मेशन होता है और मल्टीपल स्पोर बन जाते हैं, और मल्टीपल स्पोर बनते हैं तो सारे स्पोर जब, और स्पोर जो दिखाया है वो फ्लैजिलेटेड स्पोर है, इस बात का भी आप ध्यान में ले के चलेंगे, कैसा स्पोर है तो वो फ्लैजिलेटेड स्पोर है। तो ऑल ऑफ दिज रिप्रोड्यूस बाई द एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये राइट आंसर हो जाएगा, सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही डायग्राम दिया हुआ है। नेक्स्ट आइए, विच ऑफ द अमॉन्ग द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, ठीक है, तो सीजनल ब्रीडर, कंटिन्यूस ब्रीडर, ठीक है, ये सब सिंपल से हैं। इफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ए प्लांट इज 40, देन द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन गैमेट विल बी, तो 20 गैमेट नंबर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट थ्रू सकर, रनर, सकर, स्टोलिन, ये सब आपको अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। इसके बाद भी अगर फिर भी आपको कुछ डाउट रहे तो आप मुझे कॉल करके या तो क्वेश्चन को सेंड कर दीजिए या फिर बता दीजिए। ओके, थैंक यू।